शेख के ऊपर जोर दिया जाता है कि इंसान कसरत से शेख की सोहबत में आए, ताकि शेख की सोहबत में आए और शेख का दिल जो सूरज की मानिंद है उसकी शुआएं जब उसके कल्ब पर पड़े तो उसके गुनाहों को ख़त्म कर दे। तो इसलिए इंसान सोहबत में आए, सोहबत का असर होता है। आमी हो या आलिम हो, जो भी हो उसको सोहबत ज़रूरी है। इसके लिए हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि याद रखिए, जो आलिम मदरसे से फारिग होकर खानकाह में ना जाए, यानी कि अपनी इस्लाह ना करवाए, वो ऐसा है जैसे कोई शख्स वज़ू कर ले और नमाज ना अदा करे। महज पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होता जब तक अहलुल्लाह की सोहबत में ना रहे। हमने एक आदमी भी ऐसा नहीं देखा कि दर्स और किताबी एतबार से पूरा आलिम हो और सोहबत याफ्ता ना हो, फिर भी उसकी हिदायत हुई हो। और ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि शीन और काफ भी दुरुस्त नहीं पढ़ सकते, यानी किताबी इलम उनके पास नहीं, लेकिन फैज़ सोहबत की बरकत से अल्लाह ने दीन का काम उनसे ले लिया। नीरा इलम शैतान और बलम बाऊर का सा है। दीन से कामिल मुनासबत बुजुर्गों की सोहबत से नसीब होती है, किताबों से नहीं होती। किताबी काबिलियत कैसी ही ऊंची हो, कितना ही बड़ा जी इस्तेदाद आलिम हो, शेख कामिल की सोहबत के बगैर बसीरत हासिल नहीं हो सकती। तो इसलिए हम सोहबत के अंदर आए, कसरत से इंसान सोहबत के अंदर आए।